और रिम्स में लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से महागठबंधन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो यहां पर लालू का हाल जानने पहुंचे हैं, राजनीति नहीं। बेहद खास होता है क्योंकि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए जेल मैनुअल ने शनिवार का दिन जो है वो मुकर्र किया है मुलाकाती के लिए, और हर शनिवार लालू प्रसाद यादव से तीन लोग मुलाकात करने आते हैं। इस शनिवार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आए हैं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी। हम जानना चाहते हैं रामेश्वर उरांव जी, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आए हैं? आए हैं, जरूर आए हैं, कोई छिपी बात तो नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है। मैं आया हूँ, पुराना संबंध हमारा रहा है, काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है। जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय मैं पुलिस सर्विस में था, इंडियन पुलिस सर्विस में, उस समय से काफ़ी मुलाकातें होती थी, बातें होती थी। अखबार में छपा कि वो बीमार चल रहे हैं, उनका किडनी काम कम कर रहा है, तो मैं देखने आया हूँ, उनसे हालचाल पूछने आया हूँ, देखने आया हूँ, यही है। और फिर भी सर, लेकिन दो बड़े नेता बैठते हैं तो राजनीति की भी बात होती है। राजनीति की बात होगी तो बता देंगे आपको। रामेश्वर उरांव जी हैं जो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं, साथ ही दो और लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। बिहार से लाल बाबू यादव है, वो पहुंचेंगे थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने। साथ ही झारखंड राजद की जो प्रवक्ता हैं अनीता देवी, उनकी भी सूचना है कि वो भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकती हैं। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। से मिलने का दिन है और लालू यादव से मिलने के लिए रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, लालू यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और उन्होंने कहा कि लालू यादव से उनका पुराना रिश्ता है, उसके लिए वो मिलने पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी राजनीतिक बात करने की बात नहीं कही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि दो जो बड़े नेता अगर आपस में बात करें और राजनीतिक बातें ना हों, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन लालू यादव से वो जब मिलने पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सिर्फ उनका हाल जानने पहुंचे हैं, उन्हें पता चला था कि उनकी किडनी जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, उनके पुराने उनसे संबंध है, जिसकी वजह से वो उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। लालू यादव से आज तीन लोग मुलाकात करेंगे, बिहार से भी कुछ लोग मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इलेक्शन का दौर है और झारखंड में भी इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, तो उसको लेकर अगर रामेश्वर उरांव मिलने पहुंचे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामेश्वर उरांव महागठबंधन को लेकर चर्चा कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं रिम्स, जहां से हमारे संवाददाता सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत, बताएं कि रामेश्वर उरांव से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि किसी भी तरह की राजनीतिक बात नहीं होगी। कितना इसको सही माना जाए, क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं और राजनीतिक लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की बात जरूर आती है और महागठबंधन को लेकर भी चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब दो बड़े राजनीतिक कद के लोग मिलते हैं और खास कर जब सीजन चुनाव का हो, चुनाव का सीजन हो, बिहार में भी चुनाव होना है और झारखंड में ही चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं वैसे में जो नेताओं की मुलाकात होती है वो राजनीतिक मायने में काफी अहम रहती है। लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं रामेश्वर उरांव। मैं आपको बता दूं कि रिम्स का यह वही पेइंग वार्ड है जो महागठबंधन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यही कारण है कि बिहार झारखंड के अलावा देश भर के जो बड़े नेता हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, वो लगातार लालू प्रसाद यादव से पहुंचते हैं और लालू यादव इसी पेइंग वार्ड से जो है वो सियासत साधते हैं कि क्या महागठबंधन का स्वरूप होगा, कौन कौन से लोग होंगे महागठबंधन में। क्योंकि अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह मुख्य आकर्षण का केंद्र था रिम्स का पेइंग वार्ड, जहां लालू प्रसाद यादव फिलहाल भर्ती हैं, और इसी पेइंग वार्ड से लालू प्रसाद यादव जो है वो अपना सियासी दरबार लगाते हैं और हर सियासी दरबार में जो लोग हैं वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। रामेश्वर उरांव ने कहा कि वह लालू प्रसाद यादव के तबीयत की हाल जानने आए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से उनका काफी पुराना परिचय रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब दो बड़े नेता बैठते हैं तो राजनीति की भी बात होती है। रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पर कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक होगी तो महागठबंधन को लेकर क्या महागठबंधन का स्वरूप होगा, कौन महागठबंधन का चेहरा होगा, इन सब बिंदुओं पर बात होगी। जी, बात और यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा था, हमारे दर्शकों ने भी देखा, हमने भी देखा कि जब लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी आरजेडी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी तरह की यात्रा नहीं निकाली जा रही है, जेएमएम भी यात्रा निकाल रही है और बीजेपी भी लगातार सफर पर है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि महागठबंधन का जो एक स्वरूप है वो तो तैयार हो रहा है, लेकिन
ये पिछड़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपस में। जी बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से लगातार आप देखेंगे कि महागठबंधन के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं। राजद अपने क्षेत्रों से दावेदारी कर रहा है, कांग्रेस खुद दावेदारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन की जब तक एक महत्वपूर्ण बैठक नहीं होती है, जो भी महागठबंधन के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी एक बड़ी बैठक नहीं होती है, तब तक यह कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि महागठबंधन का क्या कुछ स्वरूप होगा, महागठबंधन के कौन चेहरा होंगे। अगर झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं महागठबंधन हेमंत सोरेन के चेहरे को लेकर चल रही है, लेकिन जब यही बात रामेश्वर उरांव से की गई कि महागठबंधन के लिए क्या हेमंत सोरेन स्वीकार हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ताल मटोल करते हुए यह जवाब दे दिया कि आने वाला जो महागठबंधन का बैठक होगा वह इस बात को निर्णय करेगा कि क्या सीट की शेयरिंग होती है, कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, जेएमएम को कितनी सीटें चाहिए, साथ ही जो राष्ट्रीय जनता दल है वो भी लगातार जो है वो सीटों को लेकर दावेदारी कर रही है। खुद लालू प्रसाद यादव जो है रिम्स के पेइंग वार्ड से, और वो राजद के नेताओं को मंत्र दे रहे हैं, गुरु मंत्र दे रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर, और लगातार पार्टी भी जो है वो क्षेत्रों पर जाकर दौरा कर रही है, रैलियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती हैं वो की जा रही हैं। तो रामेश्वर उरांव ने कहा कि समय आने दीजिए, जैसे ही महागठबंधन की बैठक होगी सारी कुछ साफ हो जाएगी कि कितने सीट पर कौन पार्टी उम्मीदवार उतारेगी और क्या कुछ स्वरूप होगा महागठबंधन का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यवत। तो रिम्स में लालू यादव से मुलाकात का दिन है और मुलाकात के दिन कई बड़ी अहम हस्तियां उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। आज रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कयास लगाए जा रहे हैं कि महागठबंधन के क्या स्वरूप होगा, क्या उसके लेकर कैसे कैसे सीटें का शेयरिंग होगा, इस सबको लेकर बात जरूर होगी।